नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी क्लब में। और ये है एसआईसीआई का सीरीज, जिसमें ये पार्ट वन है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एसआईसीआई का जो भी क्वेश्चन आया था एसएससी के एग्जाम में 74 से 2016-17 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए थे, कुछ इजी थे लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, इसलिए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो भी क्वेश्चन आए थे। इसका मैंने पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया है। पीडीएफ में दो चैप्टर है, सिंपल इंटरेस्ट और टाइम इंटरेस्ट, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये आपको एक ही पीडीएफ मिल जाएगा, पूरा का पूरा 74 सेफ का क्वेश्चन। ये आपका पीडीएफ पेड है, आप इस पीडीएफ स्टोर पे जा सकते हैं, instamojo.com/ssclub। वहाँ फ्री पीडीएफ भी अवेलेबल है, जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो। अगर आप पेटीएम के परचेस करना चाहते हैं तो आपको इस पे मनी सेंड करके आपसे हमसे व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, आपको तुरंत का तुरंत पीडीएफ मिल जाएगा। तो हम लोग देखते हैं एसआईसीआई का सिंपल इंटरेस्ट, पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप 1A। इसमें क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसमें कुछ बताने लायक है नहीं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरेस्ट दिया हुआ गया है और 12% रेट दिया गया है और 6% टाइम दिया, 6 ईयर्स टाइम दिया गया है। तो आपको पता होगा प्रिंसिपल इक्वल टू क्या होता है, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आपको फॉर्मूला पता होगा कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है, और ये बहुत ईजी क्वेश्चन में आता है। इसका सॉल्यूशन आप खुद कर सकते हैं, देख सकते हैं सारा क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, टाइप 1A। इसमें कोई सॉल्यूशन कराने की जरूरत है नहीं। तो हम लोग टाइप 1B की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि एक दीपक लेंड 1800 टू जयचंद फॉर 13 ईयर्स एंड 5500 कपिल फॉर 12 ईयर्स। अब उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि दीपक ने जयचंद को 13 साल के लिए 8800 रुपया दिया और 5500 रुपया कपिल को दिया 12 साल के लिए। तो दोनों का इंटरेस्ट उसे 14432 रुपया मिला, तो उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगाया था। तो यहाँ सिंपल सा बात है कि यहाँ पे देख लोगे 8800 जयचंद के लिए, तो आपको पता होगा कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। तो दोनों का सिंपल इंटरेस्ट का सम कितना है, 14432 रुपया। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, 88 × 13 आर प्लस 55 × 12 r = 14432 सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे 1800 की जगह पे 88 क्यों मैंने लिखा, क्योंकि अगर मैं 100 यहाँ लिखता तो ये 0 से 0 से कट जाता। तो आप लोग डायरेक्टली इक्वेशन लिखें, इक्वेशन से आप सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पे इक्वेशन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, 13 एट जा क्या होता है, 13 एट जा होता है 104 r, और यहाँ क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा 55 है और यहाँ 12 है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 11 रहने देंगे और 12 5 जा क्या होता है 60 r = 14432 यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब मैंने 11 क्यों साइड में किया, आप देख सकते हैं कि ये 4 × 5 कितना है और ये कितना है और ये कितना है। आप देख रहे होंगे कि आपको अगर 11 का डिविजिटिव रूल पता होगा तो अल्टरनेट हम लोग जोड़ कर दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 0 या 11 का मल्टीपल आता है तो 11 का डिविजिबल होता है। तो मैंने क्या किया, 11 अगर मैंने अलग कर दिया है तो 11 से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे काट सकते हैं। तो यहाँ से 11 कॉमन लेंगे तो 11 से ये क्या हो जाएगा, एक बार में कटेगा, उसके बाद 3 बार में कटेगा, एक बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये दोनों को जोड़ देंगे, 164 r आ गया = 13112। अब इसे सॉल्व करने पे हमारा r इक्वल टू क्या जाएगा, 8%। तो इसी तरह क्वेश्चन दिया गया था, तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे 0 0 नहीं लिखना था, कॉमन लेना था कि ये आराम से कट जाए। तो आसानी से सॉल्व हो चुका है। एसआईसीआई का क्वेश्चन होता ही है थोड़ा सा कैलकुलेटिव, तो आपको ध्यान रखना है। देख रहे हैं यहाँ पे 0 दिया हुआ, यहाँ पे 2 जीरो दिया हुआ, तो 2 जीरो से सही कैंसिल हो गया, तो 108 r लिखेंगे और × 3 करेंगे, और उसी तरह यहाँ पे प्लस 75 × 2 r लिखेंगे और 1422 लिखेंगे, जो कॉमन करके आप यहाँ पे काट सकते हैं तो आप कॉमन कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन इसी तरह का आया था, आप देख सकते हैं सारा क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। तो आप परचेज कर सकते हैं पीडीएफ अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस एसआईसीआई और टाइम एंड डिस्टेंस का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए थे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट टाइप 2A। तो टाइप 2 में जो इसका पार्ट है बहुत ही ईजी है, आप देख रहे होंगे, आपको थोड़ा सा कैलकुलेटिव जल्दी से सॉल्व करना होगा। यहाँ पे दिया हुआ गया है, इसका पूरा का प्रिंसिपल दिया हुआ है और यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है और यहाँ पे 2 साल टाइम भी दिया हुआ है। तो हम लोग को पता है कि अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, पी 100 + r/100 यहाँ पे टाइम। तो आप इस पे पुट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन सबसे इजी में आता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो जिन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा होगा उनको पता होगा। और ये 2 3 3 2 8 हो जाएगा और ये नीचे क्या आ जाएगा, 2 0 0 0।
और उसके बाद अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करके हम लोग आर का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं सारा क्वेश्चन इसी बेस्ड है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उसका मैं बहुत सॉल्यूशन अच्छे से कराऊंगा। यहाँ पर टाइप टू का बी है। अब ये क्वेश्चन क्या है आप देख सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी तरीके से बनता है। यहाँ पे सेकंड ईयर का दिया हुआ है अमाउंट और थर्ड ईयर का दिया हुआ है, देखेंगे 302, 302, 50 और 3325, और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, थर्ड ईयर माइनस सेकंड ईयर, ये आप कर लें, उसके बाद इंटू 100 बाई सेकंड ईयर। अब इसे पुट करना है, क्या करना है, इसे पुट करना है। आप इसे सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3025 आ जाएगा, 3025 आ जाएगा। और नीचे क्या है सेकंड ईयर का, सेकंड ईयर का 30250 है इंटू 100। अब ये क्या हो जाएगा, 10 बार में कट जाएगा, और 10 से क्या आ गया, 10%। देखा आपने कितना आसानी से बन गया। तो इस तरह के केस में आप लोग याद रखना है कि अमाउंट अगर दिया हुआ है सेकंड और थर्ड ईयर का, तो हम लोग क्या करेंगे, थर्ड ईयर को सेकंड ईयर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, थर्ड ईयर में सेकंड ईयर सब्ट्रैक्ट करेंगे और सेकंड ईयर नीचे लिख के 100 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आर परसेंटेज जितना भी रेट है वो निकल जाएगा। तो डायरेक्टली शॉर्टकट है, आपको याद रखना है, ये सारा क्वेश्चन इसी भी बेस्ड है, मैंने एक बता दिया है, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है, तो आपको कैलकुलेशन फास्ट करना पड़ेगा। देख सकते हैं आसानी से सारा सारा क्वेश्चन बन जाएगा, सारा का सारा सेम स्टेटमेंट है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू चेंज किया हुआ है। अब हम लोग देखते हैं टाइप सी। टाइप सी क्या है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत अच्छे से तरीके से समझना है। इसका बहुत सारे लॉन्ग प्रोसेस बताते हैं, मैं आज शॉर्टेस्ट प्रोसेस बताने वाला हूँ, क्योंकि इसका जो शॉर्ट तरीका है मैंने खुद इस पे काम करके थोड़ा सा मैंने ध्यान दिया कि कैसे इसे शॉर्ट प्रोसेस से बना सकते हैं, तो वो मैंने बनाया है। तो हम लोग सबसे पहले इसका क्वेश्चन समझते हैं। लिखा गया है कि 15% कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, एक बैंक ऑफर करता है पर हाफ ईयर, मतलब 6 मंथ के लिए। तो उसने 1 जनवरी को 8800 रुपये डाल दिया, उसके बाद उसका बैंक में पैसा था, बैंक में पैसा था, उसके बाद 6 महीने बाद 1 जुलाई को 8800 रुपये और डालता है, तो अंत में लास्ट में अंत में उसे कितना प्रॉफिट हुआ, मतलब कितना रुपया इंटरेस्ट मिला उसके पैसे को छोड़कर। तो उसने पैसा कितना जमा किया था, एक बार तो 8800, दूसरे बार भी 8800, तो 88 88 इंटू 2, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो एक बार नॉर्मल तरीके से जो प्रोसेस है उसको उससे बना लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद मैं शॉर्टकट बताऊंगा। तो इसको कैसे बनाना है, सबसे पहले हम निकालेंगे 15% ऑफ 1800, क्योंकि 8800 का पहले क्या मिलेगा, उसे 15% मिलेगा, तो 15% मिलेगा 1320 रुपया। 13 से आप मल्टीप्लाई करेंगे 15 को, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1320 रुपया आ जाएगा 6 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए आ गया। अब 6 मंथ के लिए आएगा, अब उसने क्या किया है, सिर्फ फिर से उसने 1 जुलाई को 6 महीने के बाद 188 रुपये और डाल दिया। अब क्या हो गया, अब उसका टोटल पैसा कितना हो गया बैंक में, 8800 रुपया पहले से डाला था प्लस 1320 रुपया इसमें इसका इंटरेस्ट ऐड हो गया, और उसके बाद फिर से 8800 उसने डाल दिया। ये तो आपको पता चल गया, 6 महीने में उसका क्या हो गया, 8800 1320 रुपया उसमें ऐड हो गया, फिर से उसने 8800 रुपया और डाल दिया, तो टोटल उसका जो पैसा हो गया 818920, 18990 रुपया। तो 18,990 रुपया 6 मंथ में हो गया, 6 मंथ पे हो गया, क्योंकि उसने 8800 रुपया और डाल दिया। अब 6 मंथ बाद फिर से उसे 15% और मिलेगा इस पे, इसका 15% अगर हम निकालेंगे 15% ऑफ 18920, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2838 2838। अब इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा जो इंटरेस्ट उसे मिला वो हम लोग हमको पता चल जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1320 रुपये उसे मिल चुका था एक्स्ट्रा, अब उस पर 6 महीने बाद एक्स्ट्रा कितना मिला, 2838 रुपये एक्स्ट्रा मिला। तो 2838 रुपया और प्लस 1320 रुपया दोनों को ऐड करेंगे, तो हमारा जो 14158 आ जाएगा, आप देख सकते हैं 8541 आ गया, देख रहे हैं आप। तो ये इसी प्रोसेस से हम लोग बनाते हैं। अब हम लोग जो शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि शॉर्टकट कैसे होता है। इसमें सबसे पहले हम लोग ध्यान देना है कि इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट 15% है, 15% है, तो ओवरऑल उसे इंटरेस्ट कितना मिलेगा एक साल में, एक साल में तो क्या होता है 15%, ऐसे हम लोग पहले लिख देते हैं, आर परसेंट प्लस इफेक्टिव परसेंट ऑफ आर परसेंट, तो आर प्लस आर प्लस आर इंटू आर बाई 100। ध्यान देना आपको ये क्या है, आर परसेंट है, और ये भी क्या है, परसेंट है। आर परसेंट मतलब 15%, और आर का 2 बार क्या इफेक्टिव परसेंट जैसे हम लोग निकालते हैं, ये आपको पता होगा,
50% मैंने यहाँ पे निकाला है, तो यहाँ पे क्या होगा 15 प्लस यहाँ से होगा 15 प्लस 15 प्लस 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 225, 225 यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ देख लेंगे 15 15 15 15 थी तो 45 इसी तरह हो गया, और यहाँ पे 2.25 आ गया तो 47.25 आ गया, 47.25। यहाँ मैं फिर से लिख देता हूँ 47.25। अब इसका क्या कर देना है, 47.25 ऑफ 8800 अब निकाल दीजिए, क्या करना है 47% ऑफ 47.25% ऑफ 8800 आपका जो आंसर आएगा क्या आएगा 84158। आप सॉल्व करके देखिएगा कितना आसान तरीके से हो गया है। एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ इसी पे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 15 लिखा हुआ है। हम लोग कोई और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे 10% दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 10%, तो यहाँ से 10% तो हम लोग क्या करेंगे 10% प्लस इफेक्टिव परसेंट ऑफ 10%, तो 10 10 हो जाता है और प्लस 100/100, तो यहाँ से क्या हो गया 10 20 30 31%, 31%, और 31% ऑफ हम लोग क्या कर देंगे 36 निकाल देंगे, 3600 जो यहाँ दिया हुआ है, जो यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 31 × 36, आप यहाँ से मल्टीप्लाई करके देखें 6 हो जाएगा, और 6 3 18 और 3 18 3 21 और 2 3 3 9 9 10 1 11 1 1 1 6। तो देखा आपने कितने आसान तरीके से बन चुका है। जो भी क्वेश्चन हो आप इस तरीके से बना सकते हैं, बस ध्यान देना है कि इसी आधार पे होना चाहिए जो क्वेश्चन इसका पैटर्न है, आप ये शॉर्टकट उसी क्वेश्चन पर अप्लाई कर सकते हैं जो इसमें पैटर्न दिया हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है। तो आप सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए आपको पीडीएफ परचेज करना होगा, ओनली 15 रुपीज प्राइस है, बहुत ही कम है। तो आपका एसआई और सीआई जो बेस्ट क्वेश्चन था वो खत्म हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे एसआई सीआई क्वेश्चन टाइप का क्वेश्चन, जो जिसमें एस आई सी आई दोनों मिक्स रहेगा, जैसे डिफरेंस से क्वेश्चन रहेगा, एस आई सी आई का डिफरेंस दिया हुआ है, तो उस तरह का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, और नेक्स्ट पार्ट में ये कंप्लीट हो जाएगा, और ये टाइम एंड डिस्टेंस के बाद आज ही आना शुरू हो जाएगा। तो ये आपका पार्ट 1 था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपको अगर कुछ भी सवाल है, कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पीडीएफ के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो आप फेसबुक ट्विटर इंस्टा पे आप जुड़ सकते हैं। अगर आपको कोई मेल करना है तो मेल कर सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम के चैनल पे आप जुड़ना चाहते हैं तो t.me/ssc club पे जा सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।